अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू हम दो, हमारे चार व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब है ना, हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और इंडिया से अब हम वापस आ गए हैं दुबई। तो अभी है ना सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो हम सामान लेके आए थे ना इंडिया से खाने पीने का, उसे हम यहाँ ग्लास के कंटेनर में डाल रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना पिछले ब्लॉग में पूछ रहे थे कि आपके सामान का क्या हुआ, घी अचार शहद जो सब आप लेके आ रही थी, आपको ले आने मिला कि नहीं। तो देखिए मैं सब लेके आ गई और मुझे इतनी खुशी हो रही थी, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी घी लाने की। कहीं कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने नहीं पूछा, और हमारा सारा देसी सामान जो था खाने पीने का वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है मेरे पास। तो ये जो घी है ना, इसको अम्मी एकदम फ्रीज़र में फ्रीज करके देती हैं ताकि जो है सूटकेस वगैरह ख़राब ना हो किसी का। तो ये इतना कड़क हो गया था तो हमने ना इसे एक हॉट पॉट में डाल दिया है गर्म पानी के साथ। हल्का सा ये मेल्ट होगा ना, फिर हम इसे डालेंगे बर्तन में। और इंडिया से आते टाइम है ना, हम हनी भी लेके आए थे अपने साथ। यहाँ ना बहुत सारे लोगों की फरमाइश होती है, क्योंकि ये जो हनी है ना, ये बिल्कुल प्योर है, ओरिजिनल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जैसे मार्केट में कभी कभी ऐसा लगता है कि शुगर सिरप मिला के दे रहे हैं, लेकिन ये एकदम असली है। जो हमारे पड़ोस में है ना, उनका बिजनेस है हनी का। तो ये जो बॉटल आप देख रहे हैं ना, ये रिसाइकल्ड बॉटल है बास्किन रॉबिन की शेक की। तो उसको हम मैं ना धो के रखी रहती हूँ कि मतलब इसी में डाल के जो है सबको, हम लोग दोस्त वगैरह को और रिश्तेदारों को ये दे देंगे। तो सब बहुत खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि आजकल इतनी प्योर चीजें मिलती कहाँ हैं। जब हम इंडिया जा रहे थे ना दुबई से, तो आप लोगों को याद होगा कि जो स्टील की बॉटल है घी की मेरे घर में, तो उसे ना मैंने धुल के एकदम अच्छी तरह सुखा दी थी। और मेरी नीयत यही थी कि मैं इसको इंडिया ले जाऊंगी और इसी में डायरेक्ट अम्मी से कहूंगी कि घी दे दीजिए, तो यहाँ आके उसको अलग बर्तन में डालने का झंझट नहीं होगा। लेकिन हस्बैंड ने भी मना किया कि नहीं नहीं तुम नहीं ले जा सकती, और आप लोग भी बोल रहे थे कि हाँ न्यूज़ में आया है और आप नहीं ले जा सकते वगैरह। तो मैं भी डर गई थी, तो फिर मैं नहीं ले गई। लेकिन जब ना मैं वहाँ पहुँची तो मुझे एक नहीं दो बॉटल मिली घी की। एक मेरी नन ने भी बना के रखी थी भैंस के दूध का, और एक अम्मी ने बनाई थी मेरी सास ने गाय के दूध का। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं तो सोची नहीं मैं लेके ही आऊंगी। दूसरा कोई सामान छोड़ना है तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन घी बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। मैं इतनी कंजूसी से यूज करती हूँ यहाँ पे घी को, बचा बचा के इतने एक साल तक चलाती हूँ इस घी को। तो अब मुझे दो बॉटलें मिल गई हैं, अब मैं इसको जो है हाथ खोल के यूज करूंगी। और आते वक्त है ना अम्मी पूछ रही थी कि तुम्हारी खटाई है कि ख़त्म हो गई, तो जो है ना खटाई भी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, तो अम्मी ने फ्रेश बना के रखी थी। तो मैं जो है ना ये भी थोड़ी सी एक थैली में ले आई हूँ। और खटाई नहीं रहती ना तो फिर मैं आमचूर पाउडर डाल देती हूँ, लेकिन मैं सोची कि मौके के साथ गई हूँ और खटाई है तो फिर वो भी ले ही आती हूँ घर की ताज़ी ताज़ी बनी हुई। तो उसे भी जो है ना मैंने लेबल करके ग्लास की बर्नी में डाल दी हूँ, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। और ये वाली जो क्लिप है ना, ये इंडिया से आने के फौरन बाद की है। आप लोगों को मैंने बताई थी कि जब हम इंडिया में थे ना, तो बहुत बुरी तरह सब के सब बीमार पड़ गए थे। तो बच्चे जो है ना वो तो माशाल्लाह जल्दी रिकवर कर गए, लेकिन मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं हो रही थी। तो यहाँ दुबई आके हम लोगों ने चेकअप करवाया, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए, हेमेटोलॉजिस्ट को हम लोगों ने दिखाया था। सारी रिपोर्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल आई, लेकिन मेरा जो हीमोग्लोबिन था ना वो बहुत कम हो गया था, 7 हो गया था, जिसकी वजह से है ना मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और घर का काम करना तो दूर की बात है, मैं तो खुद का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि एवरी वीक जो है एक महीने तक आपको आयरन इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, आपके अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो सबसे पहली फुर्सत में जो है ना मैं ये जूसर लेके आई हूँ। मैंने सोची कि आयरन वगैरह जो दवा से चढ़ रहा है वो तो सब चढ़ेगा ही, साथ साथ में जो है ना घर में खाने पीने में मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए, वो भी मैं करूँगी। क्योंकि ना दवा वगैरह से जो है एक जगह फ़ायदा होता है तो दूसरी जगह नुकसान होता है, तो उससे बेटर यही है कि हम अपने डाइट पे ध्यान दें। डेली अपने खाने पीने में हम अच्छी हेल्दी चीज़ें तो लेते ही, चिकन मटन सब्जियां और अंडा दूध मछली, लेकिन जो है ना कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। मतलब हाउसवाइफ की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, जैसे सूप्स और जूसेस और दूध अलग से, प्रोटीन, ये सब हम नहीं ले पाते हैं।
डॉक्टर जो है ना मेरे वो भी यही कह रहे थे कि अगर आप टेस्ट करने जाएंगी ना तो आधी से ज़्यादा औरतें जो हैं वो एनीमिक निकलेंगी। मतलब मसला ही यही हो जाता है क्योंकि ना हाउसवाइफ क्या होता है उनका यही मेन रहता है कि अच्छा बच्चों का पैर दुख रहा है तो ला उनके लिए सूप बना दें उनके हड्डियों को फ़ायदा करेगा, और हस्बैंड की पीठ दुख रही है तो उनके लिए लड्डू बना दें ड्राई फ्रूट्स का उनके पीठ में फ़ायदा होगा। किसी के लिए कुछ बना दिया किसी के लिए कुछ बना दिया, दिन भर यही सब में हम रहते हैं लेकिन अपने लिए स्पेशली हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, सोचते हैं कि कौन अपने लिए बनाने जाएगा। लेकिन जो है जब मैं इस बार बुरी तरह से बीमार पड़ी ना तो फिर मेरी एकदम अकल ठिकाने आ गई। मैंने सोची कि नहीं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मेरा यही है कि डेली लंच और डिनर में खाने पीने की चीज़ें तो हम बनाएंगे ही हेल्दी, और उसके साथ साथ जो है ना सूप और जूसेस और दूध प्रोटीन वगैरह इन सब को भी मैं इंक्लूड करूँगी डाइट में। ये ऑरेंज आप देख रहे हैं ये ना एकदम मैंने हल्का हल्का इसका छिलका निकाल दी हूँ, बहुत ज़्यादा इसको छिलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो जूसर मैं लेके आई हूँ ना ये बहुत ही अच्छा जूसर है, इसमें है ना आपको छिलका वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे है ना मैंने बीटरूट ली हूँ और छिलके के साथ ही उसको मोटा मोटा काट दी हूँ, एप्पल जो है वो भी छिलके के साथ है और उसको भी मैंने हाफ पीसेज में कर दी हूँ, और यहाँ पे जो है ना गाजर और मौसम्बी इनको भी जो है एकदम मोटे मोटे चंक्स में मैंने काट दी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है ये हम लोगों ने खरीद के लेके आए हैं खुद से, और ये जो जूसर है ना इसे बोलते हैं कोल्ड प्रेस स्लो जूसर, और ये जो नॉर्मल जूसर होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। एक तो इसमें जूस भी ज़्यादा निकलता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल जूसर, और दूसरी बात यह है कि जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना वो इसमें पूरे बने रहते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जूसर है ना उसमें से जब हम जूस निकालते हैं तो वो एकदम फास्ट स्पीड में निकलता है जिससे कि हीट क्रिएट होती है और उससे हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो भी कम हो जाते हैं और पानी और पल्प जो है आप देखेंगे अलग अलग हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये स्लो जूसर है, बहुत ही स्लो स्पीड में इसमें जूस निकलता है और पूरे न्यूट्रिएंट्स बने रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बात कि जूस भी आपको ज़्यादा मिलेगा, जो पल्प वगैरह है ना वो एकदम ड्राई रहते हैं तो उससे ही समझ में आता है कि हाँ जूस आपका ज़्यादा अच्छी तरह से निकला है और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पे है ना मैंने बीटरूट वगैरह का जो जूस निकाली थी, और बच्चों के लिए ना मैंने अलग से जूस निकाल दी हूँ एप्पल कैरेट और ऑरेंज मिला के, क्योंकि उन्हें ना ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे जो है उनकी भी आदत डालूंगी कि बीटरूट भी इंक्लूड करें, क्योंकि बीटरूट जो है ना वो बहुत फ़ायदा करता है बिकॉज बीटरूट इज़ हाई इन आयरन। तो यहाँ पे जो है ना जूस मेरा पूरा निकल गया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पल्प निकला है इसे ना हस्बैंड प्लांट्स में डालेंगे तो इसलिए मैं इसको थैली में बांध के रख दी हूँ, जब वो आएंगे तो अपना करेंगे। और मैं ना अपना जूस लेके बैकयार्ड में चली गई हूँ बाहर का नज़ारा एंजॉय करते हुए और मौसम का लुत्फ उठाते हुए इस जूस को मैं एंजॉय करूँगी और अपनी सेहत बनाऊँगी। मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है जूसर में तो स्लो जूसर में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि इतना पैसा लगा के हम फ्रूट्स वगैरह लेके आते हैं फिर इतनी मेहनत से निकालते हैं तो उसका पूरा पूरा फ़ायदा भी तो उठाना चाहिए ना। तो अगर इसका लिंक मिलेगा ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब की बार जब हम इंडिया गए थे तो मेरी देवरानी और सब लोगों ने ना मुझे बहुत सारे कपड़े गिफ्ट किए हैं और फलक को भी बहुत सारे मिले हैं, तो फलक के तो सारे रेडीमेड हैं और ईद में जो है वो वही पहन लेगी, उसका कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और जो मेरे कपड़े हैं ना वो अनस्टिच्ड हैं तो मैं रखने जा रही थी उसको अपनी जगह पे तो सोचा लाइए आपको दिखा दूं पहले। ये है ना मेरी देवरानी ने मुझे गिफ्ट करी थी और बहुत अच्छा सा पिस्ता ग्रीन कलर है, इस पर दबके का काम है, और ये जो इसका दुपट्टा है ना ये भी प्योर शिफॉन का है और हल्का हल्का सा जो है वो नग लगा हुआ है इसमें, और ये कलर मेरे पास नहीं था एक भी, अच्छा लग रहा है ये भी। ये वाला जो ड्रेस मटेरियल है ना ये मेरी नन ने मुझे गिफ्ट करी थी जो सरायमीर में रहती हैं, और ये देखिए जो उनकी लड़कियां हैं उन्हें पता है कि मेरा फेवरेट कलर येल्लो है तो उन्होंने मुझे येल्लो कलर का ड्रेस गिफ्ट करी है, और बहुत ही अच्छा सा इसका पैटर्न है, दोनों साइड में प्रिंटेड शिफॉन का कपड़ा है और साइड साइड में जो है ना वो चिकन की लेस है और बीच में पूरी प्लीट्स डली हुई हैं, और इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा है प्योर शिफॉन का है और इस पर जो है ना वो कुछ एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो अब देखते हैं कि इसको जो है सिलाने का मुहूर्त कब निकलता है, क्योंकि ना मैं यही मसला है कि मैं रेडीमेड कुर्तियां खरीद लेती हूं और यहां पे जो है ना टेलर से सिलाना बहुत झाम काम लगता है मुझे। लास्ट टाइम जब मैं मुंबई गई थी ना तो मैं 10-15 कपड़ा जो है वो सिला के ले आई थी, और ये वाला जो कपड़ा है ना ये मेरी सास ने मुझे गिफ्ट करी है और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है
प्योर शिफॉन का है और इस पे जो है ये एम्ब्रॉयडरी है, बहुत अच्छा लग रहा है ये भी। और ये वाला जो दुपट्टा है ना, ये मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट करी थी जो आजमगढ़ में रहती हैं। जो कुर्ती मैंने अभी पहनी हूँ ना, रेड कलर की लखनवी वाली, ये मैंने अपनी बहन से ली थी और उस पर कोई दुपट्टा नहीं था, तो ये वाइट दुपट्टे पे रेड रेड बूटी बनी थी, तो रेड कुर्ती पे जो है ना ये परफेक्ट मैच हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। ये कुर्ती रेडीमेड थी और मुझे है ना इसी टाइप की कुर्तियाँ अच्छी लगती हैं जो हम लोग डेली यूज़ में पहन सकें। अगर आपको भी जो है ना इस टाइप की कुर्ती लेनी है तो आप मेरी बहन से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऊपर जो स्क्रीन पे है ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और इंस्टाग्राम आईडी भी जो है ना ये जो दिख रहा है ये उसी का है। आरिस क्या कर रहे हो? कार चला रहे हैं। दिखाओ कौन सी कार है। और ये तो नानी दी थी वो वाली। किससे चलेगी? वॉच से। ओके चलाओ। हे ही, कैसे भाग रही तुम्हारी कार? गई। और अब है ना मैं आ गई हूँ किचन में सूप बनाने के लिए अपने लिए। और जब हम सूप बनाने की बात करते हैं ना तो हमें सिर्फ दो चीज़ें दिमाग में आती है, एक पाए का सूप और एक चिकन का सूप। अच्छा तो बहुत लगता है लेकिन जो ग्रीन सूप है ना उसके अपने ही फ़ायदे होते हैं, उसमें अलग ही न्यूट्रिएंट्स होता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो आज है ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी, यमी और सुपर सिंपल एंड डिलीशियस सूप की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ग्रीन वेजिटेबल सूप बनाने के लिए ना मैंने ब्रोकली को छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी और उसको मैंने वॉश कर ली हूँ। सूप पॉट में मैंने डाल दी हूँ ऑलिव ऑयल, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, और रफली चॉप्ड लहसुन और ऑनियन, इन दोनों को जो है ना मैंने डाल दी हूँ। इसको जो है ना ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट करना है। और जब तक वहाँ पे है ना प्याज एक से दो मिनट के लिए फ्राई हो रही है तब तक यहाँ पे मैं एलमंड्स को ड्राई फ्रूट स्लाइसर में डाल के जो है मोटे वाले सेटिंग पे करके रफली स्लाइस कर लूँगी। ये जो स्लाइसर है ना ये बहुत ही काम का है। रमज़ान में जो शीरखुरमा में इतने सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं ना, वो पूरा का पूरा आप इसमें जो है डाल के स्लाइस कर सकते हैं। प्याज फ्राई होने के बाद ना इसमें मैंने हाफ लौकी डाल दी हूँ मोटे मोटे चंक्स में कट करके, और जो एलमंड्स हम लोग ने स्लाइस किए थे वो भी ऐड कर दी हूँ। और है ना इस सूप में मैं एक बोल मशरूम का भी डाल रही हूँ, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको मशरूम पसंद नहीं है ना तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, बिना मशरूम के बनाइएगा। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है ना हम पॉट में डाल के मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। और क्योंकि ये ग्रीन सूप है तो पालक जो है वो इसमें ज़रूर पड़ेगी, और पालक जो है ना वो भी हाई इन आयरन होती है। तो इसको जो है मैंने वॉश कर ली हूँ, और ये जो पालक है ना ये एक बंडल में से मैंने जस्ट हाफ ली हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दी थी केटल में, तो ये जो बॉयल वाटर है इसको मैं डाल दूंगी सूप में। 1 लीटर के करीब जो है ना वो पानी डालना है, और फिर सॉल्ट आप डाल दीजिएगा। अच्छा, जैसे ही इस पानी में बॉयल आ जाएगा ना तो आप इसमें फौरन ब्रोकली और पालक दोनों ही ऐड कर दीजिएगा। ठंडे पानी में बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो इस दोनों का कलर जो है ना वो एकदम फेड हो जाएगा। तो कलर मेंटेन करने के लिए आपको बॉइलिंग वाटर में डालना है, और 3 से 4 मिनट के लिए जो है ना खाली एक बॉयल देना है इसमें। तो 3 मिनट के बाद जो है ना अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि लौकी और ब्रोकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गली हैं कि नहीं। तो परफेक्ट गल चुकी हैं, और अब यहाँ पे इसे हमें स्ट्रेनर में डालना है स्ट्रेन करने के लिए। अच्छा, इसका जो सूप का पानी है ना ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, फेंकिएगा मत इसको। इसको जो है हम लोग छान के रख लेंगे, और इन दोनों ही चीज़ों को जो है ना हम लोग पहले रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद पीसेंगे, नहीं तो फिर इसका ग्रीन कलर जो है वो चला जाएगा। आरिस, पेपर कहाँ थ्रो करोगे तुम? दिस वन, पेपर एंड कार्टून। ओके,
तो जब तक वहाँ पे सूप ठंडा हो रहा है ना, हम आ गए थे यहाँ पे न्यूज़पेपर को रिसाइकलिंग बॉक्स में डालने के लिए। काफ़ी सारा पेपर जो है ना वो जमा हो गया था। तो कम्युनिटी में ना हर थोड़ी दूर पे ये बॉक्स है, तो इसी में हम आके डाल देते हैं। नाउ क्लोज। तो अब मैं आ गई हूँ वापस घर, और यहाँ पे देखिए एकदम अच्छी तरह से जो है ना ये दोनों ही चीज़ें ठंडी हो गई हैं, ब्रोकली वगैरह और पानी भी उसका। तो मैं इसको मिक्सर में पीस दूँगी एकदम फाइन पेस्ट। अच्छा सा फाइन पेस्ट करने के बाद इसको है ना मैं स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर दूंगी। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से पीसे हैं तो स्ट्रेनर में कुछ बचेगा नहीं, खाली जो ऊपर रह जाएगा वो है बादाम का छिलका। बादाम डालने से क्या होगा ना कि ये सूप एकदम क्रीमी बन जाएगा, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा, और क्रीम आपको डालने की ज़रूरत नहीं है फिर इस सूप में, और या फिर मैदे से जो है आपको वाइट सॉस बना के डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि हेल्दी सूप है इसीलिए हम इसमें सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो देखिए ये एकदम अच्छी तरह से मैंने छान ली हूँ, कुछ भी नहीं है ऊपर, सिर्फ है बादाम का छिलका। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी आप देखेंगे कि ये काफ़ी थिक है, तो जो पानी बचा हुआ था सब्जी का जो हम लोग ने छाने थे उसी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी न्यूट्रिशियस वाटर होता है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कितना गाढ़ा कितना पतला आपको पसंद है उसी हिसाब से। तो बस इसको एक बॉयल आने देते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर पाउडर, आप ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इस स्टेज पे जो है ना आप इसमें नमक चख लीजिएगा, कम ज़्यादा मतलब अगर कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद मैं इसको दोबारा से चख लूँगी। तो देखिए हमारा सूप जो है वो बिल्कुल रेडी है। सो माई डियर फ्रेंड्स, आप लोग भी जो है ना ये सूप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो है ही, साथ में जो है ना टमी फिलिंग भी है, पूरा पेट भर जाता है इसे पी के। आप एक टाइम का लंच या डिनर वगैरह जो है ना आप स्किप कर सकते हैं, वेट लॉस में भी ना ये बहुत ही बेनिफिशियंट रहेगा। और वैसे भी है ना औरतों के साथ बड़ा मसला रहता है, पहले पेट देखो उसके बाद वेट देखो। तो अगर आप कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं सो दिस इज़ द बेस्ट स्मॉल डाइट चेंजेस फॉर एवरी हेल्दी हाउस वाइफ। आफ्टर ऑल हेल्थ मैटर्स, अगर हम अच्छे रहेंगे तो ही तो हम अपने घर में हर एक मेंबर का अच्छी तरह ख्याल रख पाएंगे। सो हेल्दी हाउस वाइफ हेल्दी होम। ये देखिए कितना अच्छा सूप है, एकदम क्रीमी सा। और है ना बहुत सारे लोग लास्ट व्लॉग में पूछ रहे थे मुझसे कि मैं मुंबई अपने मायके क्यों नहीं गई। तो आप लोगों को तो पता है पापा की तबीयत इस बार बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो हम चाह रहे थे कि पापा के पास ही ज़्यादा टाइम रह पाएँ। लास्ट ईयर जब मैं मुंबई गई थी ना तो हस्बैंड के इलाज के लिए वहीं ज़्यादा टाइम रह ली थी, और सिर्फ 3 दिन के लिए हम ससुराल जा पाए थे। हस्बैंड कह रहे थे कि 2-3 दिन के लिए चलना है तो चलो मुंबई, लेकिन इतने कम टाइम के लिए मैं रेडी नहीं हुई, क्योंकि 2-3 दिन बस जाने आने में लग जाता है और रहना कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे। और इस साल है ना 2024 का न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक और है कि डाइट वगैरह में तो चेंजेस मैं लाऊंगी ही, सूप और जूसेस वगैरह और प्रोटीन पाउडर इंक्लूड करके, और साथ साथ सनलाइट के थ्रू विटामिन डी लेने का भी जो है ना वो पूरा एहतमाम करूंगी, क्योंकि जो विटामिन डी की कमी है ना ये आजकल बहुत कॉमन हो गई है, सब जगह हर घरों में जो है ना वो पाई जाती है, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम होता है, धूप कहीं किसी को मिलती नहीं है। तो विटामिन डी की टैबलेट्स वगैरह खाने से अच्छा है कि हम नेचुरली जो है ना वो सनलाइट के थ्रू विटामिन डी लें। यही मेरी छोटी मोटी कोशिश है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Did it